हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है जिसके द्वारा के 82 करोड़ रुपये से ज़्यादा का फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन किया गया है। फ्रेंड्स, सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट दिल्ली के द्वारा एक ऐसी फर्म के नेटवर्क का पता लगाया है जिसके द्वारा के फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन किया जा रहा था। फ्रेंड्स, इस केस में एक्सटेंसिव डेटा एनालिटिक्स किया गया और ऑफिसर के द्वारा 21 प्रीमिसेस को सर्च किया गया 15 जनवरी 2021 से 17 जनवरी 2021 के बीच में, जिसमें के ऐसी फर्म का नेटवर्क पता चला है जो कि फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन कर रही थी 2017 से। फ्रेंड्स, ये फर्म अरविंद कुमार के द्वारा चलाई जा रही थी जो कि फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन कर रहा था और इसके बदले में कमीशन ले रहा था 4 से लेकर 4.5% तक जो इनवॉइस अमाउंट था। फ्रेंड्स, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई है उसमें 46 फर्म्स के बारे में पता चला है जो कि फिक्टिशियस हैं, जो कि अरविंद कुमार के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। ये फर्म कोई बिजनेस नहीं करती थी और सिर्फ जीएसटी एक्ट के अंतर्गत फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट को पास ऑन करने के लिए बनाई गई थी। इस केस में जो फेक ITC पास ऑन किया गया है वो 82.23 करोड़ है और फेक बिलिंग 541.13 करोड़ से ज़्यादा की गई है और यह अमाउंट इंक्रीज़ हो सकता है क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है। अरविंद कुमार को अरेस्ट किया गया है जीएसटी एक्ट के सेक्शन 69 के अंतर्गत और डिप्टी मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया है। फ्रेंड्स, अभी तक जीएसटी सेंट्रल टैक्स दिल्ली जोन के द्वारा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टैक्स इवेजन को पकड़ा गया है। टोटल अमाउंट 3,766 करोड़ से ज़्यादा है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुँच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।